नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.4 प्रश्न नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। इसका पांचवा भाग हम कर रहे हैं। बच्चों देखिए, हमें कहा गया है सरव समीका कोसिकेंट स्क्वेयर ए बराबर 1 cot² a को लागू करके कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कोसिकेंट स्क्वेयर ए बराबर 1 cot² a, इसी को लागू करना है, यानी इसको भी हमें कहीं ना कहीं कोसिकेंट ए और कॉट ए में बदलना पड़ेगा। तो वो कैसे बदलेंगे ये मैं आपको भी समझाने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। बच्चों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूँ। और लेफ्ट हैंड साइड में इस ऊपर वाले अंश को भी और नीचे वाले हर को भी मैं साइन ए से भाग कर रहा हूँ, यानी इसकी हर एक पद को साइन ए से भाग कर दो। देखो कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए, माइनस साइन ए, ये भी हो जाएगा साइन ए बटा साइन ए, प्लस 1, ये भी हो जाएगा 1/sin a। यानी मैंने पूरे अंश को साइन ए से भाग कर दिया, इसी प्रकार से पूरी हर को भी साइन ए से भाग करना है। यह है कॉस ए, तो ये बन जाएगा कॉस ए बटा साइन ए, यह है प्लस साइन ए, यानी कि प्लस साइन ए बटा साइन ए, माइनस 1, यानी कि माइनस 1 बटा साइन ए। अब बच्चों ऐसा करने से जो चीज जिस फॉर्मूले में बदली वो लिख देते हैं। देखिए कैसे, कॉस ए बटा साइन ए होगा कॉट ए, माइनस साइन ए बटा साइन ए, साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो बचेगा 1, प्लस 1/sin a होता है कोसिकेंट ए। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से बटा ये वाला बटा यहां आ गया, कॉस ए बटा साइन ए होता है कॉट ए, प्लस साइन ए बटा साइन ए होता है 1, माइनस 1/sin a, ये होता है कोसिकेंट ए के बराबर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, इसको मैं लिखता हूं कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, 2 + 2 + 3 या 3 + 2 एक ही बात है। कोसिकेंट ए को पहले लिखा प्लस कॉट ए, ये जो है माइनस 1, ये माइनस को यहां लिखा, 1 की जगह देखिए कोसिकेंट स्क्वेयर ए बराबर 1 cot² a, कॉट स्क्वेयर ए को यदि मैं उधर ले जाऊं तो बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कॉट स्क्वेयर ए बराबर 1। इसका मतलब 1 की जगह मैं लिख सकता हूं कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कॉट स्क्वेयर ए। ठीक है बच्चों, बटा इसी प्रकार हम नीचे भी करेंगे, या ऐसा करते हैं कि नीचे हम इसी को रहने देते हैं जो हमने लिखा है। इसको हम लिखते हैं कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम इसे बच्चों हल करेंगे, देखिए कैसे। ये है ए स्क्वेयर बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सबसे पहले ये दो रकमें ऐसे ही लिख दो, माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जो कि बराबर होगा ए प्लस बी इनटू
ए माइनस बी के। बटा नीचे इसको हम ऐसे लिखेंगे, कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस वन के। आइए अब बच्चों ऐसे आगे देखते हैं। यदि मैं इसके आसपास भी एक ब्रैकेट लगा दूं, तो बच्चों देखिए इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए ये कॉमन है, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। तो इस कॉमन ब्रैकेट को मैं बाहर लिखता हूं, कोसेकेंट ए प्लस कॉट, ये हमने कॉमन निकाला है बच्चों। जब ये कॉमन निकाल दिया तो इसमें से कोसेकेंट प्लस कॉट ए बाहर चला गया, तो बाकी बच गया वन माइनस कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए में से कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए बाहर चला गया, बाकी बच गया सिर्फ ये कोसेकेंट माइनस कॉट ए, इसके बाहर है माइनस का निशान, तो इसके दोनों साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस लगा है। तो कोसेकेंट ए प्लस का है, अभी हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस कोसेकेंट ए, और यह माइनस कॉट ए अभी हो जाएगा प्लस का, यानी प्लस कॉट ए। बटा नीचे है कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस वन। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस वन, यहां इस ब्रैकेट में देखिए कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए, ये वन है इसके साथ कोई निशानी है यानी प्लस, तो कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेकेंट ए, कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेकेंट ए, ये ब्रैकेट इस पूरी ब्रैकेट से कट जाएगी, हमारे पास बाकी बच जाएगा ये ब्रैकेट, यानी कि कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए हमारी राइट हैंड साइड है, यानी ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। अतः सिद्ध हुआ। तो बच्चों आपने देखा, हमने इस वीडियो के माध्यम से इस लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर सिद्ध किया। हमने देखा लेफ्ट साइड पर कॉस और साइन है, लेकिन हमसे जो सरल समीका मांगी गई थी, बताई गई थी, वो बताई गई थी कोसेकेंट स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इससे ही ये पता चला कि लेफ्ट साइड पर जो कॉस और साइन है उनका कोसेकेंट कॉट बनाना पड़ेगा। देखिए ये कॉस और साइन थे ना, इनको साइन ए साइन ए से भाग करके देखो इसका कोसेकेंट कॉट बन गया। इस स्टेप में ये सारा साइन और कॉस कोसेकेंट और कॉट में बदल गया। इसके बाद इसे हमने हल किया, हल करने से ये हमें राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो आशा करता हूं बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वहां पर अन्य प्रश्नों के वीडियोस आप देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं और अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।